नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का जन जागृत चैनल पर, आपका अपना न्यूज चैनल सच के साथ। हजूम कर लेते हैं। मिर्जापुर में मेरी पहली हाजिरी है इस जिले को भी लेकर। बहरहाल आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ। स्टेज पे तशरीफ फरमा जन अधिकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भागीदारी संकल्प मोर्चा के कन्वीनर बाबू सिंह कुशवाहा जी, रामकरण कश्यप जी जो भारतीय वंचित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केवट रामधनी बिंद जी जो भारतीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दो प्रत्याशी यहाँ पर बबलू कुशवाहा मैजा विधानसभा और अशोक धुरिया उड़ाव विधानसभा से। बहरहाल ये उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जहाँ सबसे ज़्यादा विधानसभा है। इलाहाबाद में 12 विधानसभा है, जिसमें से अधिकतर सीटों पर हमारी गठबंधन चुनाव लड़ रही है। जहाँ पर AIMIM चुनाव लड़ रही है उसका निशान पतंग है। जहाँ पर गठबंधन चुनाव लड़ रही है वहाँ पर गैस सिलेंडर है। और जिस तरह से भी हमें चुनाव निशान मिला है, मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, बार बार इल्तिजा करता हूँ कि इस बार आप लोग बदलाव लाने के लिए वोट दे दीजिए, सिर्फ सत्ता ही बनाने के लिए मत वोट दीजिए। वरना जो पिछले 10-15-20 सालों से आप पछता रहे हैं वही पछतावा के पास है। इस बार आपके बीच में नया फेस आया है, नया चेहरा आया है, नया बदलाव के लिए आया है। हम वही पुरानी घिसे फिल्म नहीं चाहते हैं कि वही भाजपा, वही सपा, वही बसपा। मेरा ख्याल है देख को इन लोगों को थक भी गए हैं, इन लोगों की सरकारें बनवा के गिरा के भी आप लोग थक चुके हैं, लेकिन आपका कोई पुरसाहल नहीं होता। आज लड़ाई सिर्फ वोटों की नहीं हो रही है, आज लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं हो रही है, आज जो असली लड़ाई है हमारे गठबंधन की, वो लड़ाई है भागीदारी की, पार्टनरशिप की, हिस्सेदारी की। क्या आप नहीं चाहते हैं आपको अपना हिस्सा मिले? आप बताइए, आपके घर में अगर सगे भाइयों में, दो सगे भाइयों में अगर बंटवारा हो और अगर आपको भी 2.5 बीघा जमीन मिलना चाहे और उसके बदले अगर आपको सिर्फ 2 बीघा जमीन देने जाए मिलने लगे, तो आप बताइए, आप बर्दाश्त करेंगे? बताइए, नहीं करेंगे, कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। लेकिन आज जो आपका हिस्सा और जो आपका हक हकूक मिलना चाहिए कहाँ चला गया? बताइए, जानते हो क्यों नहीं मिलता आपका हक? जानते हो क्यों नहीं मिलता आपका हिस्सा? उसकी सबसे बड़ी वजह है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है, क्योंकि आपका कोई दल नहीं है, आपका कोई नेता नहीं है, आपका कोई झंडा नहीं है, आपका कोई डंडा नहीं है। और जिसका अपना दल नहीं उसके मसले का हल नहीं, और जिसका अपना नेता नहीं उसका कुछ होता नहीं। अगर आप चाहते हो कि आपके साथ इंसाफ हो तो
आपके साथ भी भेदभाव ना हो, आपको भी बराबर की जगह दी जाए, आपके भी बगल में आपके लिए भी कुर्सी लगे। आज से बाबू सिंह कुशवाहा जी के लीडरशिप को एक्सेप्ट कर लीजिए, इंशाल्लाह आने वाला वक्त आपका होगा किसी दूसरे का। लेकिन इसको सीरियसली समझना पड़ेगा, आपको बहकाने के लिए, बदलाव के लिए, बीजेपी को हराने के लिए, ये डर दिखाने के लिए बहुत बार आपने वोट दे दिया। इस बार मजबूती से बदलाव लाने के लिए वोट दीजिए, और बदलाव और विकल्प का नाम ही भागीदारी संकल्प मोर्चा है, बाकी कोई दूसरा नहीं। सॉरी, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा। तो मैं ये चाहता हूँ, ये परिवर्तन लाने वाली चीज है। अगर आप वही पुरानी घिसी पिटी फिल्में देखना चाहते हैं तो कोई आपको नहीं रोक पाएगा, क्योंकि वोट का अधिकार आपका है। आप जहां चाहोगे अपने मनपसंद का वोट डालोगे, लेकिन बार बार जागरूक करना, समझाना, आपको बेदार करना मेरी जिम्मेदारी है। और मेरा नेता भी चंचल के पूरे उत्तर प्रदेश में हर एक गली मोहल्ले में जाके आपसे बार बार कह रहा है, एक बार अपने आप को सोच को वोट डालो, एक बार अपने आप को जिताने के लिए वोट डालो। क्यों बार बार दूसरे को डर के और किसी और को मजबूत करने के लिए वोट डालते हो? अपने आप को कब मजबूत करोगे? आप दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हैं, कोई पुरसहा नहीं है आपका, कोई अगुवाई नहीं आपका कर पा रहा है। अगर आज आपके बीच में बाबू जी आके बैठे हैं, इन्होंने सत्ता में भी रहे हैं, चलाना जानते हैं, सरकार कैसे चलाई जाती है, एक बार आप लोग पावर तो दीजिए हाथ में, इंशाल्लाह आपके हाथ में आंसू नहीं आने देंगे। कोशिश पूरी रहेगी कि आपको सुकून की जिंदगी मिले। कोई आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपके घरों को मैं महलों में और सोने चांदी से तब्दील कर दूंगा, लेकिन हाँ इतना वादा करता हूँ कि आपके साथ बराबरी का इंसाफ होगा। अगर एक रुपये का जगह पे एक रुपया ही आपको मिलेगा, कभी अठन्नी आपको इंशाल्लाह नहीं मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको बदलाव लाने के लिए वोट डालना पड़ेगा। अगर आप वही पुराना काम करेंगे सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए, तो पिछले 30 सालों से आप हरा रहे हैं, लेकिन अभी कभी खुद को नहीं जिता पा रहे हैं। खुद को जिताने का वक्त पहली बार आया है, और अगर ये सुनहरा मौका आप गंवा देंगे तो 5 सालों तक रोना पड़ेगा। नोट कर लीजिए, हम लोग हालात देख रहे हैं, किसी की सरकार कोई नहीं बन रही है। जहां हम चाहेंगे और इंशाल्लाह हमारी सरकार बनेगी, किसी दूसरे की नहीं। अहद कर लीजिए और ये सोच लीजिए, अगर आप इतना वक्त निकाल कर 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे से यहाँ पर हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ वक्त निकाल के कुछ मोहब्बत से आप आए होंगे। इस मोहब्बत से दीवाने की बात मान लीजिए, ना दीजिए किसी दूसरे की तरफ हो, अपनी पार्टी, अपना झंडा, अपना डंडा आपके बीच में, देखिए सारे परचम आपके लहरा रहे हैं। वोट डालिए अपनी पार्टी को, अपने कैंडिडेट को देखिए, देखिए अपना आपका ही कैंडिडेट आपके लोकल से। अभी प्रत्याशी महोदय कह रहे थे कि जितने कैंडिडेट आए सब पैराशूट से आए, जो बाहरी है तो उसको बाहरी रखा जाए, जो घर का है। आराम से निकल के आप
चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें जन जागृत न्यूज सच के साथ, साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।